सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल, मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में एमएस वर्ड में, जो कि डीसीए प्लेलिस्ट की ये वीडियो है जिसमें मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में समझाने की कोशिश करूंगा इस ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग वीडियो के शुरू में थ्योरी क्लास में मैं आपको इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट और स्टेप्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और फिर प्रैक्टिकल क्लास में जो कि वीडियो के अंत में होगी वहाँ मैं आपको ये ऑप्शन करके भी एक बार बता दूंगा एज ए एग्जाम्पल। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे, और जो भी थ्योरी क्लास में आपको पॉइंट्स या स्टेप्स बताया जाता है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए और जान लीजिए वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, आप जानेंगे कि कैसे हाउ टू प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट विथ पासवर्ड, पासवर्ड से कैसे हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और प्रोटेक्शंस ऑप्शंस जो हैं पासवर्ड से रिलेटेड वो कौन कौन से ऑप्शन हैं वो भी आप जानिएगा इस वीडियो में। पासवर्ड प्रोटेक्शन इन्फोर्स करने के लिए कैसे हम लोग करते हैं इसका पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको आज समझाऊंगा इस वीडियो में, और एक एग्जांपल भी बताऊंगा पासवर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और फिर लास्ट में एमएस वर्ड में जाके प्रैक्टिकली मैं आपको उसे करके भी एक बार दिखा दूंगा। तो पूरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और सारी चीज़ों को समझिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड। इसके लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करके रिव्यू टैब पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे आप ये ऑप्शंस देखेंगे, नीचे प्रोटेक्ट लिखा होगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको राइट पोर्शन में, स्क्रीन के राइट पोर्शन में ये आपको मिल जाएगा। इसको आप बाहर भी निकाल के देख सकते हैं मूव करके। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट इन्फोर्सिंग तो आपको ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है जहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, और वहाँ पे आपको पासवर्ड री इंटर भी करना होगा क्योंकि वहाँ पे पासवर्ड को मैच किया जाता है। और इस चीज़ में याद रखिएगा, प्रोटेक्शन में अगर आपने पासवर्ड भूल गए तो आप कभी भी उस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप पासवर्ड यूज़ करें तो उसे ज़रूर लिख के रख लें, नहीं तो याद कम से कम ज़रूर रखें। अदरवाइज यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आप उस पासवर्ड को रिकवर नहीं कर सकते हैं या आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर फाइनली ओके पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को अपने सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं इस डायलॉग बॉक्स के जो डिटेल और भी जो जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको सिंपली बताया कि कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इसमें जो कस्टमाइज दो तीन ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन, सारे स्टेप्स, सारे थ्योरेटिकल चीज़ों को आप समझते हुए नोट डाउन भी करते रहें कॉपी पे, जिससे कि आप प्रैक्टिकल डेमो क्लास जब मैं आपको दूंगा तो वहाँ आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, केवल फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन के लिए प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं, मतलब क्लिक हियर फॉर फॉर्मेटिंग प्रोटेक्शन ओनली। इसका मतलब क्या है कि आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ लिख सकते हैं, लिखने की परमिशन आप देना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ कलर चेंज करना, साइज छोटा बड़ा करना, या बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग का वीडियो बनाया था, आई थिंक आपने वो देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट में, डी सी ए के प्ले लिस्ट में फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो सब आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक, अगर केवल आप इस पर क्लिक करके पासवर्ड प्रोटेक्शन देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी लिख सकता है, लेकिन वो उसके स्टाइल को, उसके डिज़ाइन को, उसके साइज को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन होगा केवल। लेकिन अगर आप एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन भी कर देते हैं या केवल एडिटिंग करते हैं, ये चेकबॉक्स है, आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग को भी रख सकते हैं, एडिटिंग को भी रख सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। तो एडिटिंग का मतलब हो गया जो केवल लिखने के लिए आप चाहते हैं कि कोई आपके डॉक्यूमेंट में लिखे नहीं, फॉर्मेटिंग कर सके, तो आप केवल इस पर क्लिक कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर भी जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बता दूंगा एमएस वर्ड में कि किस तरह से आप उसको एडिटिंग फैसिलिटी देना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर्स हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है कि आप अगर पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके किसी पोर्शन को, सपोज दो पेज शुरू का आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तीसरा चौथा पेज नहीं करना चाहते हैं, या
शुरू का दो पेज आप प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तीसरा चौथा या पांचवा पेज जो भी है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कस्टमाइज प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करें और फाइनली इस पर क्लिक करें प्रोटेक्शंस को पासवर्ड प्रोवाइड करने के लिए, जो कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया है। तो आई थिंक ये सारे ऑप्शंस आपने समझ लिए होंगे और इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में, मैं आपको एक बार बता देता हूँ पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे करना है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप हमारे नए यूज़र हैं और हमारे इस चैनल और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चाहते हैं इस तरह का वीडियो, तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं और इस पर भी ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि वो सारी वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, वो सारी वीडियो अपने आप आपको मिल जाए। इसके लिए यहाँ पर भी आप क्लिक कर लें। साथ में जो भी यूज़र स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कर लें और शेयर कर लें, दूसरों को भी बताएं इसके बारे में और बने रहें। अभी वीडियो जारी है क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिकल क्लास में चलेंगे एमएस वर्ड के अंदर, और वहाँ पर प्रोटेक्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑप्शन को हम लोग करके भी एक बार देखेंगे। तो अभी वीडियो देखते रहिए, चलते हैं हम लोग एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल क्लास। प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो, आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन इन एमएस वर्ड फाइल, और उसके लिए आपने थ्योरी क्लास देख लिया होगा, उसमें बहुत सारे स्टेप्स और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। तो प्रैक्टिकली उसे करके देखने के लिए आपको सबसे पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा और उसके सबसे लास्ट में आपको प्रोटेक्ट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपको, जो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप बाहर भी ला के देख सकते हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ सारे ऑप्शंस को। उसके बारे में मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया भी है कि अगर आप केवल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मतलब बोल्ड, इटैलिक या कोई भी चेंजेस फॉर्मेटिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करें और इसको हटा दें, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे आपको फाइनली क्लिक करना है। एक ऑप्शन एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का भी है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, यहाँ भी हैं, आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आप एडिटिंग में ट्रैक चेंज लगाना चाहते हैं, अगर ट्रैक चेंज को कोई हटाएगा तो वहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा, जो पासवर्ड अभी आप प्रोवाइड करोगे। कॉमेंट्स करवा देना चाहते हो, फिलिंग इन फॉर्म्स करना चाहते हो, या केवल रीड ओनली रखना चाहते हो, सपोज वो केवल पढ़ सके, उसमें कुछ भी लिख ना सके। अभी ट्रैक चेंज में क्या है कि लिख तो लेगा लेकिन उसका कलर, उसका फॉर्मेट बदल जाएगा, तो उसके उस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप पोर्शंस या किस तरह से कितना पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप चाहते हो प्रोटेक्ट करना, या किस तरह के ग्रुप्स को, किस तरह के फैसिलिटीज़ को आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फाइनली मेनली तो आप फॉर्मेटिंग एडिटिंग, मेरा ये मानना है कि अगर आप सिंपली यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करते हुए यस स्टार्ट इन्फॉर्मेशन इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे आप क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। सपोज सिंपल पासवर्ड दें या वैसा पासवर्ड दें जो आपको याद रख सकें, या नहीं तो आप उसे नोट डाउन कर लें कहीं पर। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है PASS, अब उसको री एंटर इसलिए किया जाता है क्योंकि मिसमैच ना हो और कंफर्मेशन के लिए कि ये पासवर्ड सही दिया जा रहा है। अब इसको देखे आप ओके पे क्लिक कर दें। अब इसमें जो भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है सपोज, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे अगर स्टॉप प्रोटेक्शन आपको करना होगा, सपोज यहाँ पे ये भी आपने क्लोज कर दिया लेकिन आप कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, जैसे ही सपोज किसी ने फाइल ओपन किया आपके फाइल को और आपने उस फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई यूजर उसमें लिखना चाहेगा तो वो यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं पाएगा और नीचे मैसेज भी दे रहा है, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। तो उसको यहाँ से क्लिक करके आपको क्या करना होगा, स्टॉप प्रोटेक्शन। सपोज अगर आप कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं तो स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। और जो आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे देखिए, इसको ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और फिर से अगर आप चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना तो इस पर फिर क्लिक कर दें दोबारा से, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा आपको देना पड़ेगा, इसको करके आपको बता रहा हूँ। कुछ लिखने के बाद अब ये प्रोटेक्ट हो गया, अब इसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं आप, है ना। फिर स्टॉप प्रोटेक्शन को करके फिर वही पासवर्ड डाल के फिर आप क्या कर सकते हो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि
व्हाट इज फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, व्हाट इज एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, है ना, और कैसे पासवर्ड डालना है, कैसे यूज़ करना है, और भी चीज़ें हैं। आप इस पर प्रैक्टिस करो, पहले बेसिक चीज़ें आप कर लो जो मैंने बताया अभी आपको, फिर एडवांस में और भी चीज़ें इसमें कर करके आप देखो, प्रैक्टिस करो। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई पार्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बनना चाहिए, तो मैं आपको वीडियो बना के भी अलग से बता दूंगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और बने रहें, देखते रहें हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू, बाय बाय।